ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के वीडियो की जो प्रतिक्रियाएं मैंने चेक की उसमें काफी आप लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। देखिए, सच्ची बात कड़वी होती है और जो लोग बटर करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, उन पे ज़्यादा लाइक भी आता है और लोग ज़्यादा उस वीडियो को देखना पसंद भी करते हैं। लेकिन सच्चाई से आप नहीं बच सकते। जो वीडियो मैंने बनाया था इसका उद्देश्य डराना बिल्कुल भी नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस वीडियो के अंत में देखिएगा तो मैंने उपाय भी बताया था कि प्रत्येक लगन में क्या क्या करना था। उसमें वृश्चिक लगन का शायद मिस हो गया था, लोगों के कमेंट से मुझे पता चला। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए इस पेंडेमिक के समय, तो वृश्चिक लगन वाले इसको अपडेट कर लें। और ये वीडियो जिनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये मैं पुराने वीडियो को इसके साथ अटैच कर रहा हूं। और आइए चलिए, 2015 में फेसबुक पर मैंने क्या चीज लिखा था, इस पूरे वीडियो को अभी भी समय है, चेक कर लीजिए। एक कविता के माध्यम से 2015 में भविष्यवाणी कर दी गई थी 2021 में 2020 में प्रलय काल होगा, और वो मार्च का महीना भी था, मार्च 2020 में प्रलय काल होगा। और आज अगर आप देखिए तो प्रलय काल 2020 के मार्च से लगातार ये चल रहा है, और कब शांत होगा इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों को जो अभी भी रेड अलर्ट के वीडियो में, जो कि 10 फरवरी से लेकर 26 मई तक अलर्ट किया गया था, जिनको अभी भी यकीन नहीं है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा। जहां तक बात है महाराष्ट्र सरकार के गिरने की, जब भी प्रेडिक्शन दी गई है, चाहे वो पिछले साल जून 30 जून तक का डेट दिया गया था या इस साल 29 अप्रैल तक का डेट दिया गया, दोनों ही कंडीशन में देखिए पहले से कुछ भी नहीं पता था कि ऐसी घटनाएं इतनी विकराल हो जाएंगी। कैलकुलेशन सही डायरेक्शन पे था, लेकिन इस कंडीशन तक जो लोग परेशान हो गए हैं मुंबई के, बेसिकली लास्ट ईयर भी उसी समय कुछ ऐसा हो गया था कि कोविड की इतने केसेस आने लगे कि वहां पर सरकार का अस्थिर करना बड़ी मुश्किल था। ठीक वही कंडीशन अभी भी आई है। अभी तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि महाराष्ट्र सरकार जो भी काम करना चाहे, आपने देखा भी होगा लॉकडाउन लगा हुआ है नाम का, काम का कितना लॉकडाउन है वो तो पता चलेगा कुछ दिन के बाद। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे जो मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है, मैं उसी प्रेडिक्शन पे ही आगे जाऊंगा, और पिछले वीडियो में भी या उससे पहले भी बता चुका था 29 अप्रैल है, क्योंकि उस समय इलेक्शंस के रिजल्ट 2 मई को आएंगे, तो हो सकता है 2 मई के बाद ये सरकार थोड़ी सी गिरे, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का मैं अंतर लेके नहीं चलूंगा। तो ये अपडेट था, और जाते जाते उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी प्रेडिक्शन पर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद आप इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। अभी भी समय है, सभी लोग अपनी सुरक्षा करें और कोविड के इस प्रकोप से बचने के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना कीजिए, और आइसोलेशन या जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसका पूर्ण रूप से पालन कीजिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अचानक से मुझे 2015 में एक मैंने फेसबुक पर कविता लिखी थी और उसमें मैंने प्रलय काल से रिलेटेड कुछ लिखा था, तो जब मैं अपने उसी कविता पे पहुंचा
तो उस पे हाई अलर्ट ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, और इसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ नॉट पोएम, इट्स हाई अलर्ट फॉर ऑल, नॉट रिटन फॉर मेकिंग फियर्स, इट्स समथिंग विच प्लैनेट वॉन्ट टू हैपन, प्लीज़ डू नॉट कमेंट। मैंने इसको 26 अप्रैल 2015 में 22:10 पे पोस्ट किया था। जब तक शनि वक्री रहेगा, जुपिटर को नॉर्थ ईस्ट में परेशान करेगा, यकीन ना होगा लोगों को, पर धरती का विनाश होगा। प्लैनेट्स की बातों का कुछ को तो नाज होगा, ऋषि मुनि की बातों को अब सच्चा प्रमाण होगा। पृथ्वी डोलेगी उस दिन जब दिन शनिवार होगा, राहु केतु भी पूरा साथ देंगे, चाहे वो दिन रविवार होगा। सूरज उच्च का होकर भी जुपिटर का ना साथ देगा, फसलों को बर्बाद करके चंद्रमा का ज्ञान होगा। राहु काल में पूरा उल्टा सीधा काम होगा, अगर सुधरे नहीं दुनिया वालों तो चारों तरफ कंकाल होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, केवल ये संसार होगा, प्रदूषण ओलावृष्टि से बीमारियों का भंडार होगा। असली बात ना समझ सकोगे, गूगल से भी काम ना होगा, ऋषि मुनि की बातों का थोड़ा सा विज्ञान होगा। 2020 में लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, 2020 में लोगों को ज्ञान होगा, मार्च के महीने में प्रलय काल होगा। और लास्ट में मैंने लिख भी दिया था, टैब में लिख दिया था कैप्स लॉक में, इट्स माय थिंकिंग, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट इन गूगल, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। और इसका आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। और अचानक से मुझे आज याद आया, तो मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझा है। आगे क्या होगा ये एनालिसिस करके मैं कुछ दिन में आपको अपडेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये ख़त्म हो जाए और हमारा देश सुरक्षित हो, विश्व सुरक्षित हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, ओम नमः शिवाय।